नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आज का सबसे बड़ा वीडियो क्या है? सबसे बड़ा वीडियो है सड़क के किनारे कतार में खड़ी हुई करीब 1000 बसें और भीड़ फुटपाथ पर खड़ी हुई इन बसों की तरफ देखती हुई बड़ी आशा से बड़ी उम्मीद के साथ। आज का सबसे बड़ा ऑडियो या बाइट क्या है, एक बस के ड्राइवर की, वो सुनिए। ये कह रहे हैं कि टेम्पू मोटरसाइकिल और स्कूटरों के कागज भेजें, यहाँ से यहाँ तक लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। आप ये बताइए इसमें कौन सी एम्बुलेंस है, कौन सी मोटरसाइकिल है और कौन सी वो है। 1100 से ऊपर बसें जो ये बस है, आप इनकी देखिए, नई गाड़ी है, लंबी लंबी दूरी का सफर तय कर रही है। जो भी सरकार है वो ये कह रही है कि इन पे बीमा नहीं है, फिटनेस नहीं है, ये टेम्पू नंबर है। अगर यही गाड़ी जब चुनाव होते हैं तब ये सरकार नहीं देखती है कि इसमें बीमा फिटनेस है कि नहीं, जब चुनाव होते हैं तब इनको अधिग्रहण किया जाता है, तब कोई नहीं देखता ड्राइवर पर लाइसेंस है या नहीं है, तब ये कहाँ चले जाते हैं नियम, और आज ये नियम कैसे हो गए। यानी केवल ये नियम गरीबों के लिए बनाए गए हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए हैं। तो ड्राइवर साहब को ये लग रहा है कि बस बहुत हुआ, बस के नाम पर अब बस करो ये सारी पॉलिटिक्स। लेकिन जिसके बस में जितनी पॉलिटिक्स करनी थी उसने उतनी पॉलिटिक्स की। उधर बेबस मजदूर बस के इंतजार में सड़क पर खड़ा रहा, खाली बसों का इंतजार करते हुए, चाहे वो बस प्रियंका गांधी की हो चाहे फिर वो यूपी सरकार की हो, लेकिन कोई बस नहीं आई। प्रियंका का कहना है कि 1000 बसें थी, यूपी सरकार का कहना था कि 880 बसें थी, बाकी बस के नाम पर स्कूटर मोटरसाइकिल एम्बुलेंस कार वगैरह थी। खैर जो भी हो, 880 बसें अब खाली वापस लौट रही। मैं यूं ही सोच रहा था कि खाली बस को चलाते हुए ड्राइवर क्या सोच रहा होगा, कंडक्टर क्या सोच रहा होगा, यहां तक कि बस की खाली सीटें भी क्या सोच रही होगी कि उन पर कोई सवारी बैठकर चली जाती तो कितना अच्छा रहता। ड्राइवर भी सोच रहा होगा कि इस बहाने कुछ लोगों को जो खाली लौट के वो जा रहा है, कुछ लोगों को उसके घर पहुंचा देता, काश उसके बस में ये होता तो ये काम वो कर देता। लेकिन हमारे यहाँ ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या बस की खाली सीटें हो, वो जिस तरह से सोचते हैं उस ढंग से सिस्टम नहीं सोचता, उस ढंग से सरकारें नहीं सोचती। अगर सोचती तो 4 दिन तक ये ड्रामा नहीं चलता। कुल मिलाकर बहुत से लोगों को पहली बार पता चला होगा कि सिस्टम कितना मजबूत होता है। सिस्टम के बस में सब कुछ होता है और सिस्टम चाहे तो कुछ भी अपने बस में कर सकता है। यहाँ यही हुआ कि पहले दिन से ही तय था कि यूपी सरकार को प्रियंका गांधी की बसें नहीं चाहिए थी तो नहीं चाहिए थी, और आखिरी में बसों को खाली लौटना ही पड़ा। अब कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर 1000 बसें योगी सरकार ले लेती तो क्या बिगड़ जाता, अगर प्रियंका गांधी को थोड़ा सा माइलेज यूपी में मिल जाता तो क्या बिगड़ जाता योगी का। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि योगी ने जानबूझकर बसों को लौटा दिया क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर बसपा और सपा की बसें होती तो वो अलग रुख रहता, लेकिन कांग्रेस मरी पीटी पार्टी है, यूपी में पिछली बार 10% से कम वोट मिला था, 10 से भी कम सीटें, शायद 7 सीटें मिली थी। ऐसे में अगर कांग्रेस को प्रियंका गांधी के बहाने कुछ और सीटें मिल भी जाती हैं या उनका रुतबा थोड़ा बढ़ जाता है तो वो सपा और बसपा का ही वोट काटेंगी, थोड़ा बीजेपी का भी वोट काटेंगी, लेकिन सपा और बसपा का जितना वोट काटेंगी उससे बीजेपी के जो वोट काटेंगी उसकी भरपाई हो जाएगी। यानी योगी सरकार इसमें भी अपना राजनीतिक मुनाफा देख रही है, ऐसा कुछ जानकारों का कहना है जिससे मेरी बात हुई। अंत में मुझे लग रहा है कि खाली बस जब लौट रही होगी तो हो सकता है ड्राइवर ने कोई गाना चला दिया हो, जूली फिल्म का गाना चला दिया हो कि दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, इसी में 2 लाइनें हैं, ना कुछ तेरे बस में जूली ना कुछ मेरे बस में। तो ना प्रियंका के बस में था कि वो बसें चलवा सके, ना बेबस मजदूरों के बस में था कि वो उन बसों में बैठ सके। कुल मिलाकर सिस्टम के ही बस में होता है और सिस्टम के बस में जो होता है उससे कोई लड़ नहीं सकता, ये बात पूरी तरह से साबित हो गई। सिस्टम के आगे किसी का बस नहीं चलता। ABP News आपको रखे आगे।